पूरा देश ये मानता है कि छत्तीसगढ़ में जो आवाज उठती है वो बस्तर से सरगुजा तक को प्रभावित करती है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी भींच के मेरे साथ नारा लगाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का आभार, दोनों हाथ जोड़ के आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे मुझसे पहले जिन्होंने अपना विषय रखा, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हम सभी को लगातार वर्षों से हम सभी देख रहे हैं, मुझे लगता है आठवीं बार होगा, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ मंत्री के नाते मंच पर विराजमान सांसद द्वय हमारे सुनील सोनी जी, आदरणीय चुन्नीलाल जी, हम सबके बीच मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता के रूप में और पूर्व में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे शिवरतन शर्मा जी, हमारे सभी सम्माननीय राजेश मूढ़त जी, यहाँ के विधायकगण जो मंच पर विराजमान हैं, मोतीलाल साहू जी हम सबके मार्गदर्शक रहे वर्षों तक जिन्होंने हमारा संगठन में मार्गदर्शन किया, आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे खुशवंत साहेब जी और सब कुछ विधायकगण पीछे भी बैठे हुए हैं, आप सभी वरिष्ठ नेताओं में हमारे खूबचंद जी हैं, सौरभ सिंह जी इसके प्रभारी हैं आज के कार्यक्रम के, हमारे जगन्नाथ पानीग्राही जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी आदरणीय जिलाध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान है, हमारे जिला के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे बूथ तक के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार बंधु भी यहां पर विराजमान है, हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आदरणीय पत्रकार बंधु हैं, और समय की बाध्यता है कुछ नाम जरूर मंच पर छूटे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक विजय के बाद, और सभी ने यह निश्चय किया वरिष्ठों ने, कि जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, मेहनत की पराकाष्ठा को पार करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति अनुशासन सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की योजना, चुनाव से संबंधित हर वह विषय जनता तक ले जाने का काम किया, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारी बूथ कमेटी, हमारे 11 ऐसे विशेष योजनाओं को लेकर बूथ में काम करने वाली वो टीम जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारी कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, जनता के बीच अपना विषय रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है,
भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचस्थ वरिष्ठ जन, आप सभी कार्यकर्ताओं का पूरे संभाग के मुख्यालय में हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिवादन। छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारी नीतियों पर विश्वास किया, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास किया, उनका भी मैं आज इस मंच से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के मेहनत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनते ही मोदी जी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है इस सूत्र वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के दृष्टि से हमारे बीच विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, अन्य विधायकगण बैठे हुए, पूरी गारंटी है जो जो विषय, जो जो बात जनता के बीच जाके चुनाव प्रचार के दरमियान हम लोगों ने कही थी, उन सारे विषयों को इन 5 वर्षों में क्रमशः चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी, क्योंकि यह पूरे देश में प्रचलित है, अब तो विदेशों में भी यह माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो, एक बार फिर से बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो। हमारे आदरणीय सांसद सुनील जी का एक वाक्य है, आप सभी उसको दोहराएंगे, सभी कहेंगे, बोलिए मोदी है तो। वहां से आवाज नहीं आ रही है, बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु दोनों साइड बैठे हैं, जरा फिर से बोले, मोदी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आता हूं थोड़े से संगठनात्मक विषयों को लेकर आपके सामने। हमारे चंद्रशेखर साहू जी, संजय श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं, बीच बीच में जो जो दिखते जा रहे हैं मैं सबका नाम लेते जा रहा हूं। देखिए, अब हमारी जवाबदारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, हमने कहा है जनता से कि डबल इंजन की सरकार पूरे देश में, आप देखिए जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है होगी, तो निश्चित रूप से वे सारी योजनाएं जो केंद्र की है उसको भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं, हम सब संवाहक के रूप में और उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके लिए क्या जरूरी है, आने वाले 3 महीनों में ही मोदी जी का चुनाव है, देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हो, जनता में तो अगाध इसमें अगाध विश्वास मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के ऊपर है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस मेहनत से दिन रात लगकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आप सभी ने, मंचस्थ के नेताओं ने सुनिश्चित किया, अब बारी है केंद्र में सरकार बनाने की। हमारी बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है जो अपने वर्ष भर चलने कार्यक्रमों को लेकर, चलने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाती है। एवरी डिटार्च हमेशा हम चलते हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर, किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। बंधुओं, 5-6 ऐसे योजनाएं बनी है, मंच पर हम सभी के वरिष्ठ नेता उसके प्रभारी भी हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था विश्वास रखने वालों को हम सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित करना, उनको सदस्य के दृष्टि से आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, हमारे और अन्य कार्यक्रम, हमारे दीवार रंग रोगन
और एक ही स्लोगन, दीवाल में सभी डिजिटल और अपने जो भी व्यवस्था से हम अपने दीवालों पर अपने स्लोगन को लिखें और वो स्लोगन हमारा एक ही सूत्र में जाएगा, बोलिए अब की बार फिर इस बार। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं हमारे विभिन्न संस्थाएं, हमारे सुसमूह हैं, हमारे समूहों के बीच में जाकर हम सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यक्रमों को ले जाने का काम करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगातार हमारे पंचायत क्षेत्रों में चल रहा है, शहरी क्षेत्रों में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं तत्काल उसी स्थान पर उसका निराकरण हो रहा है, उसी का पंजीयन हो रहा है, जिसमें आधार कार्ड से लेकर हमारे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का मामला हो, ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। अन्य अन्य विभागों को लेकर उसके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। हमने शपथ लिया है और भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर उस जनता को उस योजनाओं का लाभ दिलवाएं। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि इस काम में सभी ग्राम पंचायत में, प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता लगकर जनता के बीच में, सरकार के मध्य सेतु का काम करें और उस लाभ, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे, ऐसी योजना को पूर्ण रूप से संपादित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। विषय बहुत है और जब हम लोग बात करते हैं तो चुनाव के मतदान के 3 महीना पहले से एक अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव एक सेट किया गया, भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत सकती है लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आप जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने इस काम को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। 54 विधानसभा सीटें जीतकर हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, इसी क्रम को बनाए रखना है। बोलते बोलते हम सब बहुत लंबी दूरी तक चले जाते हैं, मैं एक शपथ आज के दिवस पर आप सभी के सामने, आप सभी के मंचस्थ नेताओं के सामने दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, बोलिए छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी जी को 11 कमल, 11 लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराकर हम देंगे। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद।